आज हम बनाएंगे ये मटर पनीर की रेसिपी, जो खाने में बहुत स्वादिष्ट होता है और ये घर के सिंपल मसालों से बन जाता है। हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का फूड फ्रॉम माय किचन में। तो चलिए हम इसे बनाते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने एक फ्राई पैन लिया है, जिसे मैंने गर्म कर लिया और उसके बाद मैं इसमें तेल डालूंगी। मैंने सरसों तेल लिया है, आप चाहो तो बटर या घी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। आपके घर में अगर रिफाइंड तेल यूज़ होता हो तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। फिर मैंने ये पनीर के चौकोर टुकड़े करके इसमें डाल दिया है। आप पनीर को धीरे धीरे डालें ताकि ये टूटे ना। कभी कभी पनीर सॉफ्ट होने के कारण टूट भी सकती है, तो आप इसे धीरे धीरे डाल के ऐसे धीरे धीरे से चलाएं। मैं इसे गोल्डन ब्राउन होने तक ऐसे फ्राई करूँगी। उसके बाद मैं इसे ना पानी में डीप कर दूंगी, जिससे ये सॉफ्ट रहे अंदर से और ऊपर से ये क्रिस्पी रहती है। तो अभी हम इसे बनाने के लिए कढ़ाई ले लेंगे। ये मैंने कढ़ाई ले लिया है, कढ़ाई को मैं गर्म करूंगी। गर्म करने के बाद मैंने ये तेल लिया है। ये तेल गर्म हो जाए फिर मैं इसमें कुछ मसाले डालूंगी। देखिए मैंने पनीर को इस तरह से डीप किया है, तो ये मेरा तेल गर्म हो रहा है। अभी मैं इसमें जीरा डालूंगी। ये मैंने जीरा डाल दिया है और फिर मैं ना इसमें कुछ गर्म मसाले डालूंगी। जैसे अभी मैं डालूंगी एक दालचीनी, फिर लौंग, इलायची और एक बड़ी इलायची। इतना मसाला मैं ये तेल में डालूंगी। फिर मैंने ये दो मीडियम आकार का प्याज लिया और उसे लच्छों में काट के ऐसे डाल दिया। अभी मैं इसे एक बार चला लूंगी प्याज को। प्याज को तेल में अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी और प्याज को भी मैं एक गोल्डन ब्राउन होने तक पकाऊंगी। मेरे प्याज सॉफ्ट हो गए हैं। याद रखिए प्याज को अच्छे से भूने ताकि ये ना ग्रेवी में पूरा मिक्स हो सके। देखिए मेरा प्याज भुन गया है। अभी मैं ये अदरक का पेस्ट, ये लहसुन का पेस्ट ये डालकर अच्छे से मैं इसे मिक्स करूंगी। एक बार इसे अच्छे से मिक्स करूंगी क्योंकि तब इसका कच्चापन जो है ना थोड़ा चला जाएगा। फिर मैं इसमें थोड़े सूखे मसाले डालूंगी। देखिए मैं इसे कैसे अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। सूखे मसाले, ये मैंने जीरा पाउडर, ये मैंने धनिया पाउडर। मैंने धनिया पाउडर थोड़ा ज़्यादा लिया है, आप कम ज़्यादा कर सकते हो। ये मैंने कश्मीरी लाल मिर्च 2 चम्मच छोटी वाली, और ये थोड़ी सी हल्दी पाउडर, और ये थोड़ा नॉर्मल लाल मिर्च है। तो मैं इसे ऐसे मिक्स कर दूंगी अच्छे से। मैं इसे मिक्स करके अच्छे से भूनूंगी। देखिए मैं इसे कैसे भून रही हूँ। ये धीरे धीरे तेल छोड़ेगा, ये इसकी पहचान है कि ये अच्छे से भुन रही है। मैंने इसे अच्छे से भून लिया। अब मैं इसमें हरी मिर्च डालूंगी। ये ऑप्शनल है, अगर आप ज्यादा तीखा खाते हो तो आप हरी मिर्च डाल सकते हो, वरना स्किप भी कर सकते हो। ये मैंने टमाटर ले लिया है। मैंने इस सब्जी में कोई फूड कलर ऐड नहीं किया है, फिर भी देखना आप इसका कलर कितना सुंदर, एकदम जो अपना रेस्टोरेंट में पनीर मिलता है ना मटर पनीर, ये उसके जैसा कलर आएगा। बस मैंने ये टमाटर और थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च लिया है, जिसके कारण इसका कलर बहुत खूबसूरत लगेगा। ये देखिए मेरे मसाले पक गए हैं और ये तेल छोड़ रहा है, तो इसे मैं एक बार ऐसे चला लूँगी अच्छे से। मेरा टमाटर एकदम गल गया है, देखिए। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी। आपको अगर ज़्यादा गाढ़ा चाहिए तो आप पानी कम डालना, अगर आपको पतला चाहिए ग्रेवी तो पानी आप थोड़ा अपने हिसाब से डालना। इसमें मैं नमक ऐड करूंगी थोड़ा सा। मैं इसे मिक्स कर रही हूँ, अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। फिर ना मैं इसमें अभी मटर डालूंगी। मेरा ग्रेवी रेडी हो गया है तो ये मटर डाल रही हूँ। अगर आप फ्रोज़न वाले ले रहे हो तो जिस समय आप पनीर डालते हैं आप उसी समय डाल सकते हैं। मेरे ये मटर ताजे मटर है, जो छिम्मी वाले मटर होते हैं ना वो, तो ये पकने में थोड़ा टाइम लगता है, तो मैंने ये ग्रेवी के
साथ ही डाल दिया है ताकि ग्रेवी और ये एक साथ पक जाए। तो मेरे मटर अभी सॉफ्ट हो गए हैं, मैंने ढक्कन हटा के चेक किया, ये मैं एक बार चला लूँगी। ये मेरा ग्रेवी रेडी हो गया, तो मैं इसमें अभी पनीर ऐड करूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन पे मुझे कमेंट करें। देखिए मैंने पनीर इसमें सारे पनीर डाल दिए हैं और मैं इसे एक बार मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद मैं इसे ढककर 2-3 मिनट तक पकाऊँगी ताकि पनीर में मसाले एकदम ऑब्जर्व हो पाए। देखिए मेरा ग्रेवी बिल्कुल रेडी हो गया। मैं इसमें धनिया पत्ता डालूंगी, आप चाहो तो कसूरी मेथी भी डाल सकते हो। मेरा सब्जी बन गया है, अभी मैं इसकी प्लेटिंग करूंगी। तो मैंने ये प्लेट लिया है, उसके ऊपर ये ऐसे मैंने इसकी प्लेटिंग की है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।